बेटी नहीं जानती उसकी दुनिया उजड़ गई। माता पिता भाई को हादसे में खोया। बुआओं का रो रो कर बुरा हाल। नमस्कार, देखिए रतलाम की विशेष खबर। दिवाली के दूसरे दिन हंसते खेलते परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग गया। जावरा रतलाम के उज्जैन बाईपास पर हुए रोड एक्सीडेंट में पति पत्नी बेटा नहीं रहे। बेटी गंभीर घायल है, हॉस्पिटल में एडमिट है। जब भी होश आता है एक ही बात पूछती है, मम्मी पापा भाई कहाँ हैं, कैसे हैं। उसे अभी तक तीनों की मौत की खबर नहीं दी गई। अस्पताल में देखरेख कर रही बच्ची की बुआएं ये सोचकर ही सहम जाती हैं कि एक न एक दिन तो उसे बताना ही होगा कि उसके मम्मी पापा भाई नहीं रहे। तब क्या होगा, बताएंगे कैसे। पहले जान लेते हैं मामला क्या है। मोरिया के रहने वाले केसुराम डिडोरी उम्र 45 कुछ महीने से परिवार के साथ गौतमपुर में रह रहे थे। गौतमपुर में उनकी ससुराल भी है। मुन्नालाल पैसे से मजदूर थे। बुधवार को गोवर्धन पूजा और पड़वी का त्योहार था। वे पत्नी नर्मदा, बेटे प्रवीण और बेटी शिवानी के साथ बाइक से मंगलवार शाम ग्राम मोरिया जा रहे थे। रास्ते में छोटी बहन से भी मिले। आधा घंटा रुकने के बाद रवाना हुए। जावरा में बाईपास पर लाल खेड़ा फंटे के पास राजस्थान पार्सिंग नंबर की कार से बाइक की टक्कर हो गई। केसुराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बेटी शिवानी गंभीर घायल है, रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती है। केसुराम, पत्नी नर्मदा, बेटा प्रवीण हादसे में नहीं रहे। तीनों की मौत की जानकारी बेटी शिवानी को नहीं दी गई है। बच्ची की दो बुआएं रतलाम जिला अस्पताल में उसकी देखरेख के लिए हैं। सीताबाई ने बताया कि मोरिया जाने से पहले भाई छोटी बहन से मिलने उकेड़िया गांव आया था। सभी बहुत खुश थे। आधा घंटा रुका और चला गया। छोटी बहन से भाई जाते जाते कहकर गया था कि माँ घर पर इंतजार कर रही हैं, इसीलिए जल्दी जा रहे हैं। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। शिवानी की हालत ये है कि वे थोड़ी देर में भी होश आने पर मम्मी पापा को पूछती हैं। कहती है, मेरी मम्मी नहीं आई, मेरे पापा नहीं आए, उसे कहाँ है। मम्मी पापा दूसरे अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे में गंभीर घायल शिवानी को जीवन के सबसे बड़े सदमे से रूबरू होना अभी बाकी है। अस्पताल में भर्ती शिवानी के हाथों पर रची मेहंदी बताती है कि किस तरह इस परिवार को दिवाली के त्योहार की उमंग थी। माँ बेटी ने दिवाली के दिन एक दिन दूसरे को मेहंदी लगाई थी। दादी से मिलने गांव जाने की हसरत अधूरी रह गई। शिवानी के सिर, आंख और पैर में गंभीर चोट है। माँ बाप और छोटे भाई को घर के बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। केसुराम की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल है। केसुराम की एक बीघा जमीन है। परिवार का गुजर बसर नहीं होता था तो वह भवन निर्माण की मजदूरी करते थे। पत्नी भी हाथ बटाती थी। दो बेटे अरुण व प्रवीण और एक बेटी शिवानी थी। मुखाग्नि बड़े बेटे अरुण ने दी। केसुराम के बड़े भाई नागूलाल व छोटा पप्पू अलग रहते हैं। पिता मुन्नालाल का स्वर्गवास हो चुका है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर।